जब कोरोना का समय आया तब लोग अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार लेने लग गए थे, एक्सरसाइज करने लग गए थे, अपने इम्यूनिटी को समझने लग गए थे, योग की तरफ बढ़ने लग गए थे। तो इस तरह से बहुत सारे वो अपने आप में चेंजेस कर रहे थे और अपनी हेल्थ पर सबसे ज्यादा फोकस करने लगे थे। लेकिन एक ऐसी चीज थी जिसको कोरोना के समय पर सबसे ज्यादा यूज किया गया और वह था तुलसी का अर्क। तुलसी का अर्क सभी मौसम के अंदर बहुत ही अच्छे से काम करता है, हमारे शरीर के लिए अमृत का काम करता है। तो जैसे कोरोना के समय में तुलसी का अर्क बहुत ज्यादा फायदेकारी था, उसी तरह से हम इसे किसी भी मौसम में हमेशा भी चालू रख सकते हैं। यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यह हमारे शरीर के सारी बीमारियों को खत्म करता है क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, यह एंटी फंगल होता है, यह एंटीबायोटिक होता है, यह एंटी बैक्टीरियल होता है और यह एंटी डिजीज होता है, यह एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है। अगर कोई भी व्यक्ति तुलसी का अर्क रोजाना भी लेता है तो उसके शरीर के अंदर आप खुद फर्क महसूस करेंगे, यानी उसके शरीर के अंदर अपने आप एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, उसके शरीर में थकावट बिल्कुल नहीं आएगी, वीकनेस बिल्कुल नहीं आएगी, पूरा दिन भर काम करने के बाद भी उसका एनर्जी लेवल डाउन नहीं रहेगा और ये तीनों दोषों को संतुलित रखता है। अगर आपके वात बिगड़ता है तो अच्छे से काम करता है ये, यानी शरीर के सारे दर्द को ठीक करता है। अगर शरीर में बहुत ही तेज दर्द महसूस होता है, आपको लगता है बार बार गैस बनती है, तो ये उसको ठीक करता है। पित्त संबंधी सारे रोगों को बिल्कुल ठीक करता है, जैसे अगर आपका पित्त बिगड़ जाता है जिसके कारण एसिडिटी की समस्या हो जाती है, एसिड बढ़ने लगता है या फिर कोई अल्सर जैसी दिक्कत हो जाती है, थ्रोट इन्फेक्शन होने लगते हैं, तो ये पित्त को भी संतुलित रखता है। उसी तरह से कफ दोष पर भी बहुत ही अच्छे से काम करता है, यानी जिस किसी व्यक्ति को श्वास संबंधित रोग होते हैं जैसे अस्थमा है, दमा है, सांस की तकलीफ है, सीढ़ी नहीं चढ़ी जाती है, कोई काम नहीं कर सकते, भारी बार बार सांस फूलती है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भी रामबाण का काम करती है। तो तुलसी का अर्क पांच तरह की तुलसी से बन करके इसका अर्क तैयार किया जाता है, पर इसे रेडीमेड भी आप अमेजन से ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं या किसी भी वेबसाइट से आप इसे खरीद सकते हैं और ये पतंजलि स्टोर पे भी मिल जाता है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को गले संबंधित काफी सारी डिजीज होती है और वो आपको परेशान कर रही है तो इस पर मेरे काफी सारे वीडियो है, एक बार जाकर आप उनको जरूर चेक करें। अगर आपके कुछ काम आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लोगों के साथ उसे जरूर शेयर करें ताकि दूसरों की मदद हो सके। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो उससे बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा क्योंकि हमारी रेमेडी 100% वर्क करती है, 100% रिजल्ट इससे लोगों को मिल रहा है। जैसे पंच तुलसी जो अर्क होती है पांच तरह की तुलसी बनाया जाता है, शाम तुलसी होती है उससे इसको अर्क तैयार किया जाता है, इसे मिक्स किया जाता है, इसी तरह से राम तुलसी होती है, वन तुलसी होती है, विष्णु तुलसी होती है, नींबू तुलसी होती है। तो सभी तुलसी के पांचों ही तरह की तुलसी का पत्तों का तोड़ करके पानी के अंदर बॉईल करके और इसका अर्क तैयार किया जाता है और फिर इसको इतना सेव कर दिया जाता है कि यह अर्क के रूप में, यानी इसको एक बूंद भी अगर आप रोज लेते हैं तो आपके शरीर के सारे टॉक्सिन बाहर निकलने लगते हैं, आपका शरीर अंदर से मजबूत होने लगता है। हमारे शरीर को हमेशा के लिए स्वस्थ रखने के लिए आप पंच तुलसी अर्क का यूज कर सकते हैं और ये बच्चों से लेकर बड़ों तक काम आता है और सभी मौसम के लिए फायदेकारी रहता है। जैसे शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है, शरीर में तीनों दोषों को संतुलित करता है, अगर आपको किसी प्रकार का रोग सता रहा होता है तो उसमें इसमें फायदा मिलता है। हमारे शरीर में ब्लड सेल्स जो होते हैं वह कई सारे लोगों को बनते ही नहीं है या फिर रक्त की बहुत ज्यादा कमी आती है, हीमोग्लोबिन कम बनता है, ब्लड सेल्स सही ढंग से नहीं बन पाते। तो जो भी तुलसी का अर्क रोजाना लेना शुरू करता है 10 से 15 दिन के अंदर ही फर्क महसूस होने लगता है, यानी आपके ब्लड सेल नेचुरली अपने आप को सही ढंग से डेवलप होने लगते हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी बढ़ जाता है, इसीलिए आपको कोई थकान नहीं आती है, आप दिन भर अच्छे से एनर्जेटिक रहते हैं। और जैसे गर्मी के दौरान, बारिश के दौरान सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि गर्मी ज्यादा लगती है, लू लगने के चांस रहते हैं, उल्टी दस्त होने लगती है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भी तुलसी का अर्क सबसे अच्छे काम करता है। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा उल्टी हो रही है तो आप तुलसी की बूंद अर्क इसका ले सकते हैं, इसी तरह से किसी को दस्त लग गए हैं तो भी आप तुलसी का अर्क डाल करके उस पानी को 2 से 3 बार ले सकते हैं। बारिश के दौरान पेट बहुत ज्यादा खराब हो जाता है
तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये तुलसी का अर्क पाचन संबंधी सभी रोगों पर अच्छे से काम करता है, यानी आपके अल्सर हो जाते हैं, पेट के अंदर आपको बहुत तेज जलन महसूस होती है, आपको लगता है कि बहुत ही ज्यादा पेट के अंदर दर्द है, मरोड़ लग रही है, कब्ज है, तो ये सब पर अच्छे से काम करता है, यानी पाचन को एकदम से ग्रो करता है, इसीलिए आपकी पाचन शक्ति बढ़ने लगती है और जब खाना अच्छे से पचना लगता है तो किसी प्रकार की बीमारी नहीं आती। तो तुलसी के अर्क को आप रोजाना ले सकते हैं, ये पाचन पर भी अच्छे से काम करती है। मैंने बताया जैसे कि किसी को खांसी लगातार चलती रहती है, किसी को खांसी रात को सोते समय पर चलती है, या किसी किसी व्यक्ति को ऐसा होता है कि जैसे सो गए और आराम से और फिर बाद में एकदम से उठकर खांसी चलने लग गई, या किसी को लगातार ही खांसी दिन भर रहेगी और साथ में कफ निकल सकता है या फिर सूखी खांसी चल सकती है, तो ये तुलसी का अर्क उसमें रामबाण का काम करता है। आप तुलसी के अर्क की बूंद लेना शुरू करेंगे, आप फर्क महसूस करेंगे कि आपकी पुरानी से पुरानी खांसी छूम अंतर होने लगी है, आप अच्छे से श्वास ले पा रहे हैं, आपको थकान नहीं आ रही है, ये टीबी जैसी गंभीर समस्या पर भी अच्छे से काम करता है। तो आपको अगर खांसी है, श्वसन संबंधी दिक्कतें होती है, तो तुलसी के अर्क का आप सेवन कर सकते हैं, ये आपकी खांसी को जड़ से ठीक करता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की खांसी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है तो ये उपाय तो आपके लिए फायदेकारी रहेगा, लेकिन इसके ऊपर भी मेरे काफी सारे वीडियो है और 100% नेचुरल रेमेडी है, आप उनको करेंगे तो भी आपको फर्स्ट या सेकंड बार में ही आराम मिल जाएगा। तो खांसी के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मुंह से दुर्गंध आती है, तो ये कई कारण से हो सकता है, जैसे कि दांत में किसी प्रकार की सड़न है, मसूड़ों की कोई समस्या है, या दांत खराब हो चुके हैं, या मंजन सही ढंग से नहीं करते हैं, या फिर खाना खाने के बाद मुंह साफ नहीं करते हैं, या सांसों की कोई बदबू आपको ऐसा महसूस करती है, तो आप तुलसी के अर्क जैसे ही लेना शुरू करते हैं तो दांतों में अगर दर्द है तो वह ठीक होता है, पायरिया की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है, अगर आपके दांत हिल रहे होते हैं तो उसमें मजबूती मिलती है, कोई कीड़ा मुंह के अंदर लग जाता है तो वह सही होता है, तो ये मुंह की इम्यूनिटी को भी सुधारता है, गले की इम्यूनिटी को भी सुधारता है। तो आप तुलसी का अर्क लेना शुरू करेंगे तो दांतों संबंधित, मसूड़ों संबंधित, आपके मुंह संबंधित, गले संबंधित किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा। तो तुलसी के अर्क को अगर दर्द है तो उसमें रोई में आप थोड़ा सा कॉटन में उसे लेंगे, दांत पर लगाएंगे, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। अगर मसूड़ों पे कोई समस्या लग रही है आपको तो आप तुलसी का अर्क उस पर लगाएंगे और मसूड़ों के ऊपर लगाएंगे तो भी आपको रिलीफ मिलेगा। बहुत सारे लोगों को मसूड़ों के ऊपर फोड़ा हो जाता है, दांत का जिसको फोड़ा बोला जाता है, या फिर टोनसिल के ऊपर सफेद द्रव्य जमने लगता है, तो उस पर भी मेरे बहुत ही अच्छी रेमेडी वाले वीडियो है, आप उनको भी देख सकते हैं। तो तुलसी का अर्क आपके मुंह की दुर्गंध को सही करेगा, सड़न को बिल्कुल ठीक कर देगा और आपकी सांसों की तकलीफ इससे ठीक हो जाएगी। जिस किसी व्यक्ति के गला बार बार खराब होता है और ऐसा लगता है कि दर्द हो रहा है, सूजन आ जाती है, छाले बहुत ज्यादा हो जाते हैं, टोनसिल रिलेटिव कोई समस्या हो जाती है, तो आप तुलसी का अर्क पानी के अंदर डाल करके गरारे कर सकते हैं, इस पानी का सेवन कर सकते हैं, या फिर इस पानी के मुंह में भरकर थोड़ी सी देर रख करके कुल्ले कर सकते हैं, तो ये आपकी मुंह की इम्यूनिटी को सुधार देगा, गले की इम्यूनिटी को सुधार देगा, सारे बैक्टीरिया इन्फेक्शन को सही कर देगा। तो इस तरह से आप तुलसी के अर्क का फायदा सारे मौसम में ले सकते हैं और ये बहुत ज्यादा फायदेकारी होता है। तो ये इसका प्रयोग आप करके देखिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर किसी का मोटापा बहुत बड़ा हुआ है तो वजन कम होने लग जाएगा, पूरा का पूरा आपका शरीर सही ढंग से काम करने लग जाएगा और आप एक्टिव रहेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे। परहेज के तौर पर हमेशा ध्यान रखें कि जितना ज्यादा ऑयली फूड खाता है कोई व्यक्ति, जंक फूड खाता है, या आप देखेंगे कि अचार मसाले इस तरह की चीजें, गर्म मसाले ज्यादा खाते हैं तो पाचन खराब होने लगता है, तीनों दोष बिगड़ने लगते हैं जिसके कारण शरीर में काफी सारे रोग आने लगते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इससे कमजोर होती है। तो अगर आप परहेज करते हैं तो आपको बेनिफिट ज्यादा मिलता है। अगर जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल रही है शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।